पेशावर में रमजान मुबारक के बावजूद गंद के बड़े पहाड़ साफ ना हो सके। सफाई की जिम्मेदार निजी कंपनी के एहलकार मनपसंद इलाकों के अलावा कहीं भी गंद उठाने की जहमत नहीं कर रहे। शहरी इलाके गंदगी का ढेर बन गए। शहर में गंदगी और उससे उठने वाले बदबू और तफन के बाद बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। शहरी कहते हैं कि कराची से ज्यादा पेशावर में कचरे के ढेर हैं। बिजली नहीं है, गनर गली में पड़ा है, बीमारी फैल रही है। हम पता नहीं किसके पास जाए, किसको फरियाद करें। और सबक का गवर्नमेंट तो भी खत्म हो गया, अभी दूसरा गवर्नमेंट आने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। पाँच पाँच दिन छः छः दिन से गंद पड़ा हुआ रहता है। पेशावर शहर से रोजाना 1000 टन से ज्यादा कचरा निकाला जाता है, लेकिन गंद को ठिकाने लगाने के लिए अब तक डंपिंग ग्राउंड ना बन सका। निजी कंपनी की हल्का डंपिंग ग्राउंड न होने का मलबा शहरियों और अदालत पर डाल रहे हैं। ये फजल आई MPA था, वो साथ ही था, तो वो बंद हो गया। दो दफ़ा हमने डंपिंग ग्राउंड सरबंद में और ये बाड़े में ले लिया, लेकिन वहाँ पर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। हुकूमत की जानिब से पेशावर को पुल का शहर बनाने और गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए अब तक इकदाम नहीं किए गए। कैमरामैन के साथ दुनिया न्यूज़ पेशावर।